फाइनली टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है टिकटॉक यूजर के लिए। टिकटॉक यूजर सोच रहे हैं टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया तो हम कौन सा ऐप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ टिककिक एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूँ। टिककिक एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, टिककिक एप्लीकेशन पे किस प्रकार आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और इस पे मैंने एक और वीडियो बनाया था टिककिक एप्लीकेशन क्यों वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी भी उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि टिककिक एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि काम नहीं कर रहा है, कब से काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वो करना क्या है, सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है टिककिक एप्लीकेशन। इसके बाद सबसे पहले टिककिक एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना है। यदि आपने अपडेट कर लिए हैं तो ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। सिंपल आपको टिककिक एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद फिर से आपको बैक हो जा रहे हैं, यानी कि टिककिक एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो मैंने बनाया था, जिस वीडियो में आपको मैं बताया था कि टिककिक एप्लीकेशन में 10 जून को अपडेट आने वाला है और जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं सारे के सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 जून को अपडेट नहीं आया, 12 जून को अपडेट आया था, लेकिन टिककिक एप्लीकेशन में अपडेट आने के बाद सेम प्रॉब्लम था जैसे कि पहले, उसी प्रकार अभी भी प्रॉब्लम है। टिककिक एप्लीकेशन कब से काम करना स्टार्ट कर देगा, टिककिक एप्लीकेशन की ओर से किसी भी प्रकार का न्यू अपडेट नहीं आया है जिसमें कि वो क्लियर बताया कि टिककिक एप्लीकेशन क्यों वर्क नहीं कर रहा है और कब से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अभी तक इसका फाइनल डेट भी नहीं पता चला है। तो आप लोगों को एक सजेस्ट दे सकता हूँ, यदि आप लोग टिकटॉक यूजर है, टिकटॉक की तरह बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पे आपको तीन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन है टिककिक एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन है चिनगारी ऐप और थर्ड एप्लीकेशन है रोपोसो ऐप। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन रोपोसो ऐप है, तो आप रोपोसो ऐप यूज कर सकते हैं। लेकिन रोपोसो ऐप में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, फिलहाल में ये एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम फिक्स बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड होने के कारण रोपोसो ऐप भी काम नहीं कर रहा है। रोपोसो ऐप कैसे यूज करना है, इस पर कैसे अकाउंट बनाना है, इस टॉपिक पे ही मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन में या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर देख सकते हैं। और जैसे ही टिककिक एप्लीकेशन के न्यू अपडेट आएंगे तो आप लोगों को मैं न्यू वीडियो बना कर दे दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।